देवगढ़ का इतिहास को हम लोग जब पढ़ेंगे तो हमको समझ में आ जाएगा कि वहां किस प्रकार का धर्म परिवर्तन हुआ है। वहां के राजाओं ने तो मुस्लिम धर्म स्वीकार कर लिया था। भक्त बुलंद का नाम आप लोगों ने सुना होगा, उनका बहुत बड़ा योगदान है। नागपुर शहर, जिसको हम लोग आज मध्य भारत का एक बहुत बड़ा विकसित शहर के रूप में जानते हैं, जहां मैं बसता हूँ, उस शहर को जिसने बनाया वो भक्त बुलंद। नाम सुनकर ऐसा नहीं लगता कि वो आदिवासी समुदाय का होगा। उसके बाद में आने वाले बहुत सारे राजा जो है, जिनके नाम चांद सुल्तान है, बुरहान शाह है, या और भी कुछ अलग नाम है जो मुस्लिम समुदाय से नाम आते हैं, तो कई बार हम लोगों का जो समाज है वो भी ये भूल जाता है कि ये वर्ग अलग नहीं है, ये हमारे ही समुदाय के लोग थे, ये हमारा ही समुदाय था और हमारे ही पुरखों ने जो है देवगढ़ बसाया। देवगढ़ से राजधानी बाद में हस्तांतरित होकर जो है नागपुर में आ गई और नागपुर में गद्दी और राज करते थे। इस प्रकार का जो है, हम लोग जब बखान इतिहासकार करते हैं तो कई लोगों को ये समझ में नहीं आता। और वहां तो मुस्लिमों की सत्ता थी, मुस्लिमों की नहीं थी, वो आदिवासियों की थी, गोंडों की थी, ये हम लोगों को समझ में आना चाहिए। देवगढ़ का इतिहास जो है वो ध्रुवे गोत्र के तरफ में जाता है, कई किताबों में लिखा हुआ। जैसे कि गढ़ामंडला का इतिहास को जब हम लोग पढ़ते तो वहां पर जो है मड़ावी, मरावी, मंडावी जो भी कहा जाता है आजकल प्रचलित, इसमें उस प्रकार के गोत्र का नाम वहां पर आता है। तो यहाँ ध्रुवा समाज जो है ये आता है। और यही जो देवगढ़ में जो एक आज भी वहां का जो संस्थापक राजा रहा हुआ जाटबा नाम का, उस राजा की बहुत बड़ी किंवदंतियां हैं कि किस प्रकार से उस व्यक्ति ने जो है, कहते हैं कि बहुत बलशाही था जाटबा। वो जो देवगढ़ का जो किला है, उस किले के प्रवेश द्वार में लगभग 20 लोग नहीं उठा पाएंगे, इतना बड़ा दरवाजा उस समय में लगा हुआ था। उस दरवाजे को अकेले उस व्यक्ति ने उठाया था, इस प्रकार की किंवदंतियां उसके बारे में कही जाती है। इसके अलावा एक और किंवदंती है कि वो लकड़ी की तलवार इस्तेमाल करता था। दीपावली के समय में वहाँ का जो पहले जो समाज का गवली समाज का राजा हुआ करता था, धनसूर और रनसूर इस प्रकार के नाम थे उनके, उन राजाओं ने एक बार इसकी परीक्षा लेनी चाही और दीपावली के दिन में जो है जाटबा को कहा गया कि लकड़ी की तलवार से वो भैंसे का जो है बलिदान दे। नेचुरली ये बड़ा मुश्किल काम होता है कि लकड़ी की तलवार से कोई भैंसे को मारे। भैंसा एक बहुत शक्तिशाली प्राणी है, आप सभी को इस प्रकार की जानकारी है, और इस प्रकार के जानवर को मारना इतना आसान नहीं है, और इसीलिए। लेकिन दूसरे दिन जब वो विधि पूर्ण करना था, उस समय में कहते हैं कि जाटबा ने जो है लकड़ी के तलवार से भैंसे का सर काट दिया था और उसी तलवार से उसने गवली राजाओं को भी मार दिया था, और उसके बाद में जाटबा खुद जो है देवगढ़ का सत्ताधीश बना हुआ था। तो इस प्रकार से देवगढ़ का जो इतिहास है उसके बारे में हम लोगों को जानकारी मिलती है। देवगढ़ में ये जाटबा, उसके बाद में कई सारे नाम आते हैं, कोकशाह, केशरी शाह, इस प्रकार के कोकशाह, दीदार शाह, इस प्रकार के नाम आते हैं। यहाँ तक तो ठीक है, क्योंकि ये जाटबा, कोकशाह, केसरी शाह, इस प्रकार के नाम जो है जो 1570 से चालू होते हैं, तो लगभग 1685 तक उनका धर्म परिवर्तन नहीं हुआ था। लेकिन भक्त बुलंद एक ऐसा राजा हो जाता है जो 1686 में इस गद्दी पर आता है, और उसके बाद में वो समय था मुगलों का, मुगलों ने उसके ऊपर में दबाव बनाए। दबाव कुछ इस प्रकार का था कि अगर वो मुसलमानी सत्ता का अधीनता स्वीकार नहीं करेगा तो वो नष्ट हो जाएगा, और इस प्रकार के जो एक परिस्थिति निर्माण हुई थी उससे मार्ग निकालने के लिए भक्त बुलंद ने मुसलमानों के धर्म को स्वीकार किया था। लेकिन अपने संस्कृति के बारे में उसने कोई भी जो है कॉम्प्रोमाइज नहीं किया था। उसने कहा था कि रोटी का मैं व्यवहार करूंगा, बेटी का व्यवहार मैं अपने समाज के साथ करूंगा। और इस प्रकार से ये भक्त बुलंद जो है नागपुर शहर का निर्माता, जिसको कहा जाता है नागपुर राजधानी, जिसने उन्होंने स्थलांतरित किया और यहाँ पर वो बस गया, ये बहुत बड़ा राजा किसी समय में हो चुका है। नागपुर एक मध्य इस प्रकार का शहर था जो उत्तरी और दक्षिण व्यापारी मार्गों को जोड़ने वाला केंद्र था, और यहाँ के जितने भी छोटे छोटे गाँव थे, बारह बार से बोला जाता था उनको, इन गाँवों को जोड़कर जो है एक अच्छे नगर के रूप में उसका विकास करने का एक बहुत बड़ा कौशल इस व्यक्ति ने दिखाया हुआ है। तो हम लोगों को ये बड़ा जानकर बड़ा अंदेशा ही नहीं हो पाता कि एक समुदाय जो जंगलों में रहता है, जंगली संस्कृति का हम लोग बखान करते हैं, वो संस्कृति इतने बड़े नगरों को कैसे बसा सकती है।
लेकिन इस प्रकार के चरित्र जब हम लोग पढ़ते हैं तब हमको पूरा विश्वास हो जाता है कि आदिवासी समाज के नेतृत्व में इस प्रकार की कोई जो है कमी नहीं थी, ना उनके किसी गुणसूत्र में कोई कमी थी, ना उनके किसी नेतृत्व शक्ति में कमी थी। कमी आज हम लोगों के पास में अगर कोई चीज है तो वो हम लोगों का विजन है, दूरदृष्टिकोण है, जो हम लोग भविष्य को नाप नहीं पा रहे, समझ नहीं पा रहे हैं और उसके हिसाब से अपनी गतिविधियों को हम लोग आकार नहीं दे पा रहे हैं। और इसलिए भाई और बहनों, जब हम लोग इस प्रकार के हमारे राजाओं का बखान पढ़ते हैं तो हम लोगों को विश्वास नहीं होता। और ये बहुत बड़ा भूतकाल नहीं है, ये वो भूतकाल है जिसको हम लोगों के पुरखे लोग जानते थे। बख्तुबुलंद के बाद में चांद सुल्तान आता है, चांद सुल्तान के साथ में वली शाह आता है, वली शाह के साथ में बुरहान शाह, अकबर शाह, इस प्रकार के राजाओं ने नागपुर से जो है मध्य भारत का संचालन किया हुआ है। इनका योगदान भी बहुत बड़ा है, इनका राज्य की सीमाएं जो है वो भी बहुत बड़ी है। जैसे कि वैनगंगा नदी है ना, जाड़बा के शासनकाल में थोड़ा कम था लेकिन उसके बाद के शासक लोगों ने जो है नागपुर है, शिवनी है, भंडारा है, बालाघाट के जिले हैं, यहाँ तक जो है इसका जो है फैलाव उस समय में हुआ था। छिंदवाड़ा और बैतूल जिले भी उसमें शामिल थे, ऐसा हमको दिखाई देता है। तो ये देवगढ़ महज जो है एक गोंड सत्ताधीश था, कुछ समय के लिए रहा होगा, ऐसा नहीं है। लगभग 200-250 साल का इतिहास इन लोगों के साथ में भी है, 300 साल का, 350 साल का इतिहास जो है गढ़ामंडला के साथ में है। और इसी प्रकार का इनकी अगर कुछ उपलब्धियां अगर हम लोग बात करते हैं कि देवगढ़ के राजाओं ने जो है या नागपुर के राजाओं ने, गोंड राजाओं ने किस प्रकार की उपलब्धियां दी है, उसके बारे में सबसे पहला अगर कोई उपलब्धि मैं बताना चाहूंगा तो मैं बताऊंगा कि नागपुर नगर का निर्माण करने का श्रेय अगर किसी व्यक्ति को या किसी समाज को जाता है तो वो गोंड समुदाय को जाता है। इन्हीं राजाओं ने तांबे और सोने के सिक्के, सोने के तो नहीं लेकिन तांबे और चांदी के सिक्के इन लोगों ने चलाए हुए हैं। उसमें से एक सिक्का मेरे पास में भी है जो तांबे की है और वो जाटबा की है, क्योंकि तो इतिहासकारों को हम लोगों को पढ़ना पड़ता है। वो ब्रिटिश म्यूजियम लाइब्रेरी लंदन से मंगाई हुई चीज है जो मेरे पास, मैंने सुरक्षित रखा हुआ है। मुझे बड़ा फक्र होता है कि हमारे वंशजों का, हमारे पुरखों का कोई चिन्ह जो है उसका एक संग्रह मैं अपने पास में, एक ही सही लेकिन मैं रखने में सक्षम हूँ। उसी प्रकार से देवगढ़ के राजाओं ने जो किले बनवाए थे, चाहे वो देवगढ़ का किला हो, नागपुर का किला हो, वहां पर सैकड़ों इन लोगों ने जो है बावड़िया और कुओं का निर्माण किया हुआ है। इस प्रकार का एक वीडियो बीच में वायरल हुआ था और जो फेसबुक में और वो व्हाट्सएप में बहुत भारी मात्रा में सर्कुलेट भी हुआ है कि किस प्रकार के कुओं का जो है पता चल रहा है जो किसी समय में हुआ है। आज भी इस क्षेत्र में देवगढ़ और इधर में आप लोग देखो चंद्रपुर, भंडारा, वर्धा, इधर में बहुत सारे तालाब और कुएं हमको दिखाई देते हैं। हम लोगों के आजू बाजू में जो है कई बार बोला जाता है कि ये क्या है, मामा तालाब है। मामा तालाब का मतलब क्या होता है? मामा तालाब का मतलब काका मामा, ऐसा उसका कोई रिश्तेदारों के साथ में कोई जुड़ाव नहीं है। माझी मालगुजारी ऐसा होता है। और हम लोगों के ही लोग जो समय में जमींदार थे, मालगुजार थे और इन्हीं लोगों ने जो है बनाया हुआ तालाब है जिसको हम लोग आज भी मामा तालाब के रूप में जानते हैं। भंडारा जिले में, गढ़चिरौली जिले में, चांदा जिले में आज भी कई इस प्रकार के तालाब, और इस क्षेत्र को तो तालाबों का ही जो है क्षेत्र के रूप में जाना जाता है, जैसे कि आप लोगों को जानकारी होगी। तो ये तालाब और ये इस प्रकार के कुएं, इस प्रकार की बावड़ियां किन्होंने बनाया हुआ है? इन्हीं लोगों ने बनाया हुआ है, हमारे लोगों ने बनाया हुआ है, इस चीज का हम लोगों को फक्र होना चाहिए। हमारे ही समाज के इन लोगों ने जो है हिंदू और मुस्लिम समुदाय का या धर्म का या संस्कृति का संगम कराया हुआ है। इन लोगों ने किसी के साथ में भेद नहीं किया हुआ है, इन लोगों ने उनके साथ में दुश्मनी नहीं की है, वरन उस संस्कृति को भी इन लोगों ने अपना कर जो है उनके साथ में एक बहुत अच्छा तालमेल बिठा कर रखा, जिसके कारण हमारी प्रजा उस समय में सुरक्षित रही है। हम लोग उनके तरफ में नकारात्मक दृष्टिकोण से ना देखें, सकारात्मक दृष्टिकोण से देखना ये बेहद जरूरी है, क्योंकि किसी राजा के अस्तित्व की बात यहाँ पर नहीं हो रही है। राजा के साथ साथ उसकी प्रजा सुखी होनी चाहिए और शांतिप्रिय जीवन उसने जीना चाहिए, ये मकसद उन लोगों का था। और जनता को उन लोगों ने जो है सुरक्षित रखने के लिए इस प्रकार के समझौते समय के साथ साथ उन लोगों ने किया हुआ है, ये हमें भूलना नहीं चाहिए। इसी प्रकार का कई बार जो है ये भोसले उनका राज्य जो ये बाद में आया हुआ है नागपुर में, जो हम लोग बड़े बहुत बड़े पैमाने पर पढ़ते हैं, क्योंकि उसको लिखने वाले इतिहासकार जो है ये बहुत पहले रह चुके हैं, उसके बारीकियों के बारे में उन लोगों ने लिखा हुआ है। और भोसलों को भी जब संकट उनके ऊपर में आता था और इन लोगों को आश्रय देने का काम भी जो है देवगढ़ के राजाओं ने किया हुआ है, क्योंकि देवगढ़ के राजा तो सतपुड़ा के जंगल में रहा करते थे, उनका
देवगढ़ जो है वो खुद सतपुड़ा में है, और ऐसे समय में वहां पर भयानक ये जो अरण्य होते थे, जंगल हुआ करता था, वो सुरक्षित जगह समझा जाता था। और इसलिए भोसले भी जब अंग्रेजों से परेशान हो जाते थे तो वो गोंड राजवंशों के पास में आश्रय के लिए चले जाते थे। और उसके ऊपर में भी आपको मैं ये बात बता दूं कि देवगढ़ का राज्य या फिर नागपुर का राज्य जो भोसलों को दिया गया हुआ है, वो भोसलों के साथ में या भोसलों ने आक्रमण करके गोंड राजवंश जीता नहीं है, या हम लोगों के साथ में उन्होंने कोई युद्ध नहीं किया हुआ है, वो तो अपने बेटों के झगड़ों के कारण रानी रतन कुंवर जी जो है वो परेशान थी, देवगढ़ की या नागपुर की रानी, गोंड रानी, और उसने इन दो भाइयों के बीच का जो झगड़ा है उसको सुलझाने के लिए भोसलों की मदद ली। और इस प्रकार से रघुजी भोसले को जो है उन्होंने तीसरा पुत्र माना झगड़ा मिटने के बाद में, और उनको दान में, उनको एक हिस्से के रूप में, अपने बेटे के रूप में उनको एक हिस्सा दिया, और जिसके कारण जो है नागपुर नगर हम लोगों के हाथ से निकल गया और वो भोसलों के राज्य यानी क्या बोल रहा सत्ताधीश के रूप में वो यहाँ के जाने जाने लगे। तो इस प्रकार से हम लोग जो है देवगढ़ के बारे में जानकारी रखते हैं, और इस प्रकार की जानकारी उसके बारे में दी जा सकती है।